अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे जो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा और एकदम बाजार जैसा बनेगा खिला खिला। ये देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट हलवा बना है हमारा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, एकदम खिला खिला और परफेक्ट हलवा बनकर रेडी होगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को डिटेल में बताया है। तो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया है और उसमें एक कप मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ये कप मैंने ऑयल का लिया है और यही कप मैं सूजी का भी लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल को गर्म करके इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इनको मैं एक मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर एक मिनट इनको फ्राई होते हुए हो गया था, अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं सूजी डाल दी है मैंने। अब इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आनी स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह लगातार स्पैचुला चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगी तो एकदम से हल्की हो जाएगी, स्पैचुला चलाते हुए आपको फील होने लगेगा बहुत हल्की सी हो गई है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें नहीं तो फिर ये जल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर कलर इसका कितने अच्छे से चेंज हो गया है और यहाँ पर इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की सी हो गई है और एक एक दाना इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से ऑयल में। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑयल थोड़ा कम भी डाल सकते हैं क्योंकि मुझे परफेक्ट रेशो बताना था इसके इंग्रेडिएंट्स का, इसलिए मैंने पूरा 1 कप डाला है। अगर कम डालना है आपको ऑयल तो कम डाल लें। यहाँ पर मैंने जब ये भून गई अच्छे से इसमें 3 कप पानी डाला है, 3 गुना, यानी कि सूजी 1 कप थी तो फिर मैंने इसमें 3 गुना 3 कप ज़्यादा इसमें पानी डाला है। 1 कप चीनी डाली है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ये मैं इसमें 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है जिससे कि ये हल्का मीठा होगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मीठा खाना है तो चीनी आप इसमें 1.5 गुना कर सकते हैं। मैंने इसमें 1:1 का रेशो रखा है, 1 कप ही इसमें ऑयल है, 1 कप ही इसमें सूजी है, 1 कप ही इसमें चीनी है और 3 कप फिर मैंने इसमें पानी डाला था। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो फिर आप इसमें 1.5 कप भी डाल सकती हैं। तो इसमें लगातार स्पैचुला चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और कोई भी नहीं कहेगा कि ये घर का बनाया हुआ हलवा है, ऐसा लगेगा जैसे बाज़ार से आपने लिया हो। तो इस तरीके से लगातार इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। देखिए अभी इसका ऑयल सारा गायब हो गया है, हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकल जाए। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी उतार लेते हैं हलवे को, यहाँ पर ये चिपचिपा है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतारना है इसको, अभी और पकाएंगे। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून देसी घी भी डाल रही हूँ यहाँ पर। अब ये डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी और फिर ये अपना ऑयल अच्छी तरीके से रिलीज़ कर देगा। देखिए कितना अच्छा ये भुनना स्टार्ट हो गया है घी डालते ही, ये इस तरीके से भुन जाएगा जैसे कि मसाला हम भूनते हैं, मसाला अलग हो जाता है और ऑयल अलग, इसी तरीके से हलवा अलग हो जाएगा और ऑयल अलग। बस लगातार ऐसे ही भूनते रहें जब तक कि खिला खिला ना हो जाए और सारी चिपचिपाहट इसकी ख़त्म ना हो जाए। वीडियो इसी वजह से लॉन्ग हुई है क्योंकि मुझे इसका हर एक स्टेप आपको दिखाना था डिटेल में। ये देखिए कितना ज़्यादा खिला खिला हलवा बनकर हमारा रेडी हुआ है और ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। देखिए यहाँ पर हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ।
इसमें स्पैचुला चला के कितना ज़्यादा खिला खिला बना है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट इसके अंदर नहीं रही है और ऑयल भी इसने अच्छी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आपका हलवा कैसा बना। देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए मैं आपको इसमें इसीलिए लगातार चला के दिखा रही हूँ उसको, ताकि आप देख सकें कितना ज़्यादा खिला खिला हलवा बना है हमारा। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।